नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है, मैं सिरोही राजस्थान से हूँ। तो मैं जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी ऑल बाय वॉक यानी पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो आज उसका 65वां दिन है, 65 डे हो गए मुझे। तो मैं सुबह आज अभी दोपहर के 1 बजे आज मैं लेट निकला हूँ। हाँ, चला जा, पूरा उड़ा दिया। ये कच्चा रास्ता है, अभी आगे मेन हाईवे आएगा तो उससे मैं मिलूँगा तो ठीक रहेगा। पूरा सिंगल हाईवे है। तो पूरी कहानी ये है कि कल शाम को मैं आया था, हमारे समाज के यहाँ पर कार्यकर्ता है, जैसे कोई सचिव है, कोई मतलब अध्यक्ष है, तो उन रात को बहुत बड़ा मेरा स्वागत हुआ तो अच्छा लगा मुझे। मतलब जब मैं आया तब भी हुआ और हमारे समाज में गया तब भी हुआ वहाँ पर। और अभी मैं जब 1 बजे निकला हूँ, क्योंकि सुबह से 10-11 बजे वहाँ पर एक हाई स्कूल है, यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ पर मैं पेड़ पौधे 4-5 पेड़ पौधे लगाए हैं। तो वहाँ पर भी यहाँ के सचिव, यहाँ के विधायक वगैरह आए थे, तो उनके साथ पेड़ पौधे लगाकर, आपने वीडियो देख ही लिया होगा, तो उनके साथ भी मतलब पेड़ पौधे लगाकर अभी मैं 1 बजे निकल चुका हूँ यहाँ से। बाकी कुछ ऐसा सूखा बुखा कुछ नदी जैसा है और रोड पूरा कच्चा है, तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और बाकी सब बढ़िया है बस, और आगे 4-3 लड़के बैठे हैं तो देखते क्या करते वो। तो मैंने अपनी यात्रा चालू कर दिया भोले का नाम लेके, जब भोले की। तो पीछे जो लड़के बैठे थे एकदम टल लिए, अभी दोपहर के 1 बज रहा है और पी के बैठे यार, युवा है मेरे जैसे 20-21 साल के, क्या करे। उनको उन्होंने मुझे पूछा कि किसका झंडा है, मैंने कहा अपने देश का। मैंने इनको पूछा कि हाईवे कितना है, पता नहीं हमको हाईवे पता नहीं, ऐसे मतलब। चलते हैं अभी आगे। वाह वाह वाह, क्या नज़ारा यार, सब गाय ही गाय, बस एक है कि प्रॉब्लम है कि आवारा घूम रही है बस, सब छोटे छोटे हैं। बाकी अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैंने 12-13 किलोमीटर कवर कर दिया, अभी और बाकी है तो चलते हैं। तो अभी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, नहीं मैं कैमरा में बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, गांव का नाम क्या था, रायपुर। तो यहाँ से रायपुर 8 किलोमीटर दूर है। तो एक भाई है जो 1 महीने से मुझे फॉलो कर रहा है, और भाई को पता था कि इसी रोड से जाएगा, मतलब मैंने पहले से सबको बताया हुआ था। तो ये भाई का आसपास में यहाँ गांव है, पास में गांव है, गांव का नाम क्या भैया, बोरदा। तो भाई करते हैं खेती, तो बहुत अच्छा लगा मिलकर, अभी हमने चाय पी थी पीछे। तो भाई एक बार आपका नाम बता दो। नितेश। तो कैसा लगा मुझसे मिलकर आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार। बिल्कुल यार, ये मतलब पहले से इंतजार करते हैं, और मतलब मैं मिलता हूँ, और ये मतलब पहले मिलते ना, ये बहुत सारी मुझसे बातें करते हैं, तो वो मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब लगता है मुझे भी। तो चलते हैं, अभी 5:30 बज रहे हैं, तो शाम तक 6:30 या 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई। महाराज जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज रायपुर बस स्टैंड पे कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए जाते हुए भाई का स्वागत किया गया। आपका नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार सैनी। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कश्मीर से आ रहा हूँ। ये कश्मीर से तिरंगा यात्रा लेकर कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, भगवान की यात्रा सफल बनाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय सियाराम, जय सियाराम।